सचिन तेंदुलकर का ऐतिहासिक वानखेड़े स्टेडियम में स्टैचू लगाने की तैयारियां जोरों शोरों से चल रही हैं। मुंबई क्रिकेट एसोसिएशन की तरफ से स्टेडियम में उनका स्टैचू लगाया जाएगा। स्टेडियम में कहां पर उनका स्टैचू लगेगा, इसे फाइनल करने के लिए सचिन वाइफ अंजलि के साथ स्टेडियम भी पहुंचे। इस मौके पर महान भारतीय खिलाड़ी ने कहा कि वो हैरान है। सुनिए आगे क्या कुछ बोले सचिन तेंदुलकर। बहुत खुशी हो रही है मुझे, जैसे कि मैंने कहा मेरा करियर यहाँ से शुरू हुआ। 1988 में मैं यहाँ पे मेरी पहली रणजी ट्रॉफी मैच खेला और वहाँ से 2013 तक यहीं पे जो भी अच्छे मोमेंट्स और थोड़े नॉट सो गुड मोमेंट्स यहीं पे थे, तो ये एक मेरे लिए बहुत ख़ास जगह है। और मुंबई क्रिकेट के वजह से बहुत सारी चीज़ें लाइफ में हुई। जिस तरह का माहौल रहा और जिस तरह से हमने इकट्ठा मिलके एंजॉय किया क्रिकेट खेलना, और जितना टाइम यहाँ पे बिताया है, मुझे नहीं लगता मैं कहीं और इतना टाइम बिताया हुआ है। तो बहुत ख़ास सारी चीज़ें यहाँ इस जगह से जुड़ी हुई है। और जब मुझे मैसेज आया प्रेसिडेंट से कि ऐसे ऐसे हम प्लान कर रहे हैं तो क्या कहते हो आप, तो मैंने कहा कि ये बहुत बड़ी बात है मेरे लिए। और जहाँ जिस ग्राउंड और जिस जगह ने मुझे सब कुछ दिया है, वहाँ पे ऐसा एक स्टैचू क्रिएट हो रहा है, तो वो स्पेशल मोमेंट है मेरे लिए। एमसीए के लिए क्या कहेंगे जो ने ये फैसला लिया? खास धन्यवाद कहूँगा, क्योंकि ऐसी चीज़ें बहुत कम बार होती है, बहुत कम बार दिखाई देती है। और जब इन्होंने मेरे साथ ये शेयर किया तो बहुत खुशी, रिएक्शन एक अलग तरह की रिएक्शन थी मेरी। और यहाँ इसीलिए मैं आज आया हूँ कि हम एक जगह आइडेंटिफाई कर रहे हैं। अब तक ये नहीं डिसाइड किया कि किस तरह का स्टैचू होना चाहिए, तो दैट विल बी अनदर टास्क मैं कहूँगा, तो देखें क्या होता है। कुछ बताया सर तब तक कि स्टैचू नहीं, कुछ वैसे डिस्कस नहीं हुआ, इसलिए मैं यहाँ पे आया हूँ।